Hi guys, Nirali here. Welcome back to my channel. आज हम बना रहे हैं एकदम देसी होम स्टाइल जैन टाकोज रेसिपी. इसका जो शेल है वो मैंने लेफ्ट ओवर रोटी से बनाया है. तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं. रोटी टाको शेल बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ सुबह की बची हुई चपाती. अब एक माइक्रोवेव का जो वायर रैक होता है उसके ऊपर दो वायर्स पे एक साथ हम इसको टांग देंगे कुछ इस तरह. ऐसे ही बाकी रोटियों को भी टांग दे. इससे क्या होगा कि जब बेक होगी तो हमें ऐसा एक टाको टाइप शेप मिलेगा. और जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है टेंशन मत लीजिए, मैं आपको गैस पे भी एक रेसिपी दिखा दूंगी. और इस वायर रैक को हम प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पे 7 मिनट्स के लिए बेक करेंगे. टाकोस का स्टफिंग बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच तेल. आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं. अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच पत्ता गोभी. कैबेज जो है वो अनियन का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, उसमें वैसा ही क्रंच आता है और टेस्ट भी. इसको मीडियम हाई फ्लेम पे हम सॉटे होने देंगे 1 मिनट तक. ये अच्छे से पक जाए उसके बाद हम बाकी सारी वेजीज भी ऐड कर देंगे, जैसे चॉप टमेटो, कैप्सिकम एंड बॉयल्ड स्वीट कॉर्न. आप चाहे तो इसमें कैरेट्स, फ्रेंच बीन्स, ब्रोकली, बेबी कॉर्न ऐसी वेजीज भी ऐड कर सकते हैं. कलरफुल बेल पेपर्स भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है. अब इसको थोड़ा सा और हेल्दी एंड फिलिंग बनाने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/4 कप कुक्ड राजमा. अगर आपको राजमा नहीं पसंद तो आप छोले भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कैंड बीन्स भी ऐड कर सकते हैं. वेजीज अच्छे से कुक हो चुकी है तो अब इसमें हम करेंगे सीजनिंग. यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चुटकी भर के नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं. थोड़ी सी काली मिर्च, ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स. थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जैन पिज्ज़ा सॉस. अब इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नमस्ते, मेरा नाम है निराली और मैं हर वीक ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज अपलोड करती रहती हूँ. तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. थोड़े से बाइंडिंग के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून डाइल्यूटेड टमेटो केचप. आप चाहे तो इसमें टमेटो प्योरी भी ऐड कर सकते हैं, बट ये एकदम होम स्टाइल देसी रेसिपी है सो इसमें मैं ऐसे टमेटो केचप ऐड कर रही हूँ. अब हल्का हल्का सा मैश करते हुए हम इसको मिक्स करेंगे. यहाँ पे मैंने एकदम बेसिक सा स्टफिंग रेडी किया है जो इंग्रेडिएंट्स सबके घर में अवेलेबल होते हैं, बट अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और ऑथेंटिक या हेल्दी बनाने के लिए इसमें आप पनीर ऐड कर सकते हैं और भी बहुत सारी वेजीज जो मैंने आगे बताई वो ऐड कर सकते हैं. इसमें स्प्राउट्स भी बहुत ही बढ़िया लगता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं. आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉसेस भी ट्वीक कर सकते हैं. तो अलग अलग वेरिएशंस बनाएं और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए. अब क्विकली एक ड्रेसिंग सॉस बनाते हैं. तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून टमेटो केचप में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जैन पिज्ज़ा सॉस एंड 2 टेबल स्पून मेयोनीज. हम इन सबको अच्छे से व्हिप करेंगे और ये हमारा इजी ड्रेसिंग रेडी हो गया है. तो पहले हम बिना माइक्रोवेव वाला जो गैस पे करने वाले वो रोटी असेंबल करते हैं. तो यहाँ पे मैं स्प्रेड कर रही हूँ हमने जो ड्रेसिंग रेडी किया था. अगर आपको ऐसा ड्रेसिंग रेडी नहीं करना तो आप टमेटो केचप और मेयोनीज भी अप्लाई कर सकते हैं. अब हमने जो स्टफिंग रेडी किया था वो ऐसे हाफ साइड पे हम लगाएंगे. ध्यान रखिए बीच में ना लगाएं, ऐसे साइड पे लगाएंगे हम. पत्ता गोभी और कैप्सिकम थोड़ा सा क्रंच के लिए. अब ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स. ग्रेट करेंगे थोड़ी सी चीज़, ये ऑप्शनल है, आप पनीर भी ग्रेट कर सकते हैं. और ड्रिजल करेंगे हल्का सा सॉस. अब इसका से क्लोज करके हम तवे पे दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे. दोनों साइड पे बटर से ग्रीस करके मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये एकदम क्रिस्पी ना हो जाए.
और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट टाको है रेडी गैस पे भी। हमारे बेक्ड टाको शेल्स भी है रेडी, तो इसको जल्दी से असेंबल करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हमारी ड्रेसिंग, फिर ऐड करेंगे हमारी स्टफिंग, ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ी सी चॉप्ड कैबेज एंड कैप्सिकम, थोड़ी सी और ड्रेसिंग, मेयोनीज एंड चीज। बिना अनियन एंड गार्लिक के एकदम इजी होम स्टाइल जैन टाकोज रेसिपी है बिल्कुल रेडी। तो क्यों वेट कर रहे हो, जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए वीडियो के साथ। और रुको, इसका क्रंच तो सुनते जाओ, कितना क्रंची है यार, जल्दी से ट्राई कीजिए। Thank you for watching. Subscribe to my channel and also follow me on my Instagram and Facebook. Links are in the description below. Bye.